हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट मंत्रा। आई एम डॉक्टर वर्खा गुप्ता। तो जैसा आप जानते हैं कि हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं NTUGC नेट की, जिसमें हमारे सिर्फ हार्डली 3 यूनिट्स बची हैं कंप्लीट होने में। ऑलमोस्ट हमारी सारी यूनिट्स कंप्लीट हैं। तो अगर आपने रिकॉर्डेड सेशन जरूर देख लीजिएगा, अगर आपने कोई भी लाइव क्लास मिस की हुई है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारी प्लेलिस्ट सेंड की गई हैं। चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट देख लीजिए। सारा आपको, चाहे वो इंटरनेशनल बिजनेस हो, चाहे वो आपका मार्केटिंग हो, चाहे वो आपका लाइक मैनेजमेंट हो, सारा का सर्च आपको प्रोवाइड किया गया है। यूनिट 1, 2, 3, यूनिट 6, यूनिट 8 हमारा चल रहा है, यूनिट 9, ये सारी यूनिट्स हमारी कंप्लीट हैं। तो जल्दी से वहाँ पर देख लीजिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो और अच्छे से हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज दी फैसिलिटी लोकेशन क्या होता है। वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन, टाइप, फैक्टर, टेक्निक, सब कुछ यहाँ पर हम इसको कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है फैसिलिटी लोकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट व्हाट इज दी फैसिलिटी। हमने ऑपरेशन मैनेजमेंट देखा। ऑपरेशन मैनेजमेंट में हमने देखा कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना की जो प्रोसेस होती है, उसमें जो भी एक्टिविटीज होती हैं, दे ऑल कम्स अंडर द ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो उन सारे रॉ मटेरियल्स को सही तरीके से रखने के लिए, उन सारी चीजों को सही तरीके से मैनेज करने के लिए वी रिक्वायर्ड द लोकेशन, है ना। एक अच्छी लोकेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो यही जो लोकेशन है यहाँ पर, ये जो प्लेस है, उसी को हम यहाँ पर कह रहे हैं फैसिलिटी लोकेशन, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा कंसेप्ट ऑफ फैसिलिटी लोकेशन, कि आखिर ये फैसिलिटी लोकेशन क्या है। तो फैसिलिटी लोकेशंस में बी डिफाइंड एज अ प्लेस। जैसा मैंने आपसे कहा, लोकेशन का जो मतलब होता है, लोकेशन का मीनिंग ही है आपका प्लेस। So, facility location may be defined as a place where facility will be set up for the producing goods or services. जो input से output में convert करने की जो process है, उस process को आप कहाँ पर कर रहे हो, उस area को हम location कहते हैं। और वहाँ पर कौन कौन सी facilities available हैं उस process को easy going बनाने के लिए, that is comes under the facility location. Clear हुआ? लोकेशन मतलब वो जगह जहां पर आप अपने गुड्स को या सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और फैसिलिटीज मींस वो पूरा सेटअप जो कि आपके इसमें मदद कर रहा है। तो किसी भी लोकेशन को जब आप सिलेक्ट करते हो, तो उसके लिए आपको कुछ कंडीशन जो है उनको फॉलो करना पड़ता है। ये सारी चीजें तब भी हो सकती है, लाइक व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, जब भी आप कोई नया बिजनेस चूज करते हो, उस समय आपको लोकेशन चूज करना जरूरी होता है। मान लीजिए अगर आपने कोई पिज्जा हट या फिर चाट की शॉप खोली हुई है, टी स्टॉल खोली हुई है, तो बेसिकली यू आर प्रेफरिंग दैट एरिया जहां पर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स या फिर ऑफिस प्रमाइसेस होते हैं, वहां पर ये ज्यादा चलता है। आप सोचो कि रेसिडेंशियल एरिया में आकर अगर आप टी स्टॉल खोल लोगे तो कितना नहीं चलेगा, जितना कि ऑफिस और जहां पर हॉस्टल्स होते हैं वहां पर चलेगा। तो बेटर लाइक आप कहाँ पर अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका लोकेशन। फिर या फिर व्हेन द एग्जिस्टिंग यूनिट, जब भी आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस यूनिट है, है ना, जहां पर आपकी ओरिजिनल फैसिलिटीज अवेलेबल है, वो आपको लोकेशन वहां पर आपको चाहिएगी इसके लिए। अगर आप बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तब भी आपको एक अच्छा सा लोकेशन रिक्वायर्ड होता है। न्यू लोकेशंस के लिए आपको जगह चूज करनी पड़ सकती है। जब आपके जो बिजनेस का वॉल्यूम जो है, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस इज एक्सटेंड, मार्केट की नेसेसिटी के हिसाब से अगर बढ़ा रहे हो, आप उसकी ब्रांचेस को एनहेंस कर रहे हो, कि अभी लाइक अभी आप लोगों का दिल्ली के किसी एक एरिया में है, फिर दिल्ली के दूसरे एरिया में अगर आप उसको ओपन करना चाहते हो, तब आपको लोकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आपका जो लीज है वो एक्सपायर होने वाला है, आपने किराए पर शॉप ली हुई है, वो एक्सपायर होने वाली है और आपको खाली करना पड़ेगा, तो आपको नया लोकेशन चूज करना पड़ेगा। तो वहां पर भी, है ना, वो रिन्यू नहीं कर रहा है, अगर लीज पर नहीं दे रहा है आपका लैंडलॉर्ड, तब भी आपको एक नया लोकेशन सर्च आउट करना पड़ेगा। या फिर कभी कभी सोशल और इकोनॉमिक रीजन की वजह से भी आपको अपनी फैसिलिटीज लोकेशन चूज करनी पड़ती है। तो लोकेशन चूज करने के बहुत सारे रीजन हमें पता चल रहे हैं। नया स्टार्टअप ओपन किया हुआ है, आप एक बिजनेस को एक्सपांड करना चाह रहे हैं, नया ब्रांच ओपन करना चाह रहे हो, या फिर लीज पर है और तो आपको एक दूसरा लोकेशन चाहिए, या इकोनॉमिक रीजन, बहुत सारे रीजन आपके सामने आते हैं जब आपको फैसिलिटीज को लोकेट करना पड़ता है। लेकिन इस लोकेशन के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालते ही डालते हैं। उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही हम अपनी फैसिलिटीज को चूज कर पाते हैं, हम अपनी लोकेशन को चूज कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छा गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन हमको मिल रहा है या नहीं, मतलब हमें रॉ मटेरियल पता चला, आपने इतनी दूर पहाड़ की चोटी पर जाके अपना बिजनेस ओपन कर लिया है और आप उम्मीद कर रहे हो कि वहां पर आपको वर्कर्स मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, रॉ मटेरियल मिल जाए, कैसे पॉसिबल है भाई?
कैसे पॉसिबल होगा? क्या नहीं होगा ना। तो हमको क्या चाहिए, हमको ऐसी जगह पर अपने लोकेशन को रखना है जहां पर हमको अवेलेबिलिटी बहुत आसानी से मिल जाए। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर, भाई किसी भी को कानूनबाजी में ना हो वो जमीन जहां पर आपने अपनी लोकेशन चूज की हुई है अपनी फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए या अपने प्लांट को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो भी आप कर रहे हो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से मिल रहा है या नहीं वो देखना जरूरी है। आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन, मतलब आपको इजीली रॉ मटेरियल्स या जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होंगी या नहीं होंगी वो देखना जरूरी है। भाई वर्कफोर्स उसके बिना काम ही नहीं चलेगा, तो स्किल्ड वर्कफोर्स उस एरिया में आपको मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। बहुत ज्यादा दूर अगर रखोगे एरिया से तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसी जगह इंडस्ट्रियल एरिया ठीक है, बट वो ऐसी जगह होना चाहिए जो जहां पर लाइक इजीली वर्कर्स पहुंच सके या वर्कफोर्स इजीली पहुंच सके। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक लोग उसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। इन्वेंट्री फ्रेंडली एटीट्यूड, इन्वेस्टर फ्रेंडली एटीट्यूड की इन्वेस्टर्स आपके उसमें प्लांट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे ये भी एक अपने आप में एक फैक्टर्स हो सकता है। मार्केट से कितना पास और कितना दूर है वो एक बड़ा फैक्टर्स है। रॉ मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल है या नहीं है, इंडस्ट्रियल सर्विसेज मिल रही हैं या नहीं मिल रहे हैं, या सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही है, इन सारी चीजों को जब ध्यान में रखा जाता है, फोकस किया जाता है, तब आपका प्लांट लोकेशन सही तरीके से सही मायने में एस्टैब्लिश हो पाता है। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जहां पर आपको ध्यान रखना ही पड़ता है। तो अगर आप इनको मोटे तौर पर देखा जाए तो जब भी एक प्लांट को आप लोकेट करना चाहते हो, एक प्लांट के लिए अगर आप लोकेशन को सर्च करना चाहते हो, तो यू शुड फोकस ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ पावर। इलेक्ट्रिसिटी वहां पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है वो आप देखोगे। इलेक्ट्रिसिटी आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो आप देखोगे। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है ना सामान लाने ले जाने के लिए। क्लाइमेट वहां पर सही है या नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आपने ऐसी एरिया चूज कर लिया है और प्रोडक्ट आपका ऐसा है जो उस क्लाइमेट में खराब होने के चांसेस ज्यादा है, सही तरीके से आप उसको केयर नहीं कर पा रहे हो। गवर्नमेंट पॉलिसीज की तरफ आपने ध्यान दिया है या नहीं दिया है। कॉम्पिटिशन कितना है उस स्टेट में जिस स्टेट में आप अपना प्लांट ओपन कर रहे हो, और लेबर की अवेलेबिलिटी कितनी है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बिना आप अपने प्लांट को इस्टैब्लिश नहीं कर सकते अगर आपने इनकी तरफ टेक केयर नहीं किया तो। तो ये एक ऐसी चीजें हैं, अगर आपने इनको टेक केयर कर लिया तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है, है ना, बहुत अच्छे से आपकी लोकेशन चूज हो सकती है, प्लांट ग्रो कर सकता है। अदरवाइज आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। सो दे आर दी बेसिक फैक्टर्स जिनके बेसिस पर यू कैन चूज दी योर प्लांट। नाउ इसके अलावा जैसे कुछ और भी चीजें होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे अभी हमने जो देखा वही यहाँ पर भी है, लाइक आपका जो एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड कॉम्पिटिटिंग इंडस्ट्रीज आपकी कितनी है, कॉम्पिटिशन कितना है, रिसर्च फाइनेंस के लिए आपको वहाँ पर एमिनिटीज अवेलेबल है या नहीं है। यस वाटर की फैसिलिटीज, ये बहुत जरूरी है, वाटर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फायर फाइटिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि फैक्ट्रीज आप ओपन करते हो, प्लांट आप ओपन करते हो, तो ऐसा एरिया रिक्वायर्ड है जहां पर इजीली सारी सर्विसेज अवेलेबल हो जाए। तो दिस इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सर्विसेज। तो ये सारी चीजें जब आप लोग देख लेते हो उसके बाद ही आप अपनी एक लोकेशन को फाइनल करोगे। घर देखने जाते हो तो घर के लिए क्या देखते हो, मेट्रो स्टेशन पास में है या नहीं है। आप देखते हो कि भाई अगर मैं बात करूं तो मार्केट पास में है या नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन पास में है या नहीं है, सेफ्टी कितनी है वहां पर, ये सारी चीजें देखते हो ना जब भी घर देखने जाते हो। सेम फंडा आपके प्लांट लोकेशन के लिए भी है। आपको स्किल्ड लेवल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, रॉ मटेरियल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंडस्ट्रीज अवेलेबल होंगी या नहीं होंगी, वाटर फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी या नहीं होंगी, इन सारी चीजों को आप देखकर ही अपने प्लांट को चूज करते हो। नाउ व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल हो सकती है उनके बारे में अगर बात की जाए, तो ऑल्दो दे आर दी फैसिलिटीज जो हमको एक लोकेशन के लिए रिक्वायर्ड रहती हैं, तो अगर मैं बात करूँ एक हैवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की, तो हमें एक लार्ज एरिया उसके लिए रिक्वायर्ड है ना, एक बड़ा सा स्पेस हमें उसके लिए रिक्वायर्ड है जो कि हमें एक्सपेंसिव भी पड़ सकता है। तो हैवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हो सकती हैं, लाइट मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, रिटेल और सर्विस से रिलेटेड फैसिलिटीज आपके पास अवेलेबल हो सकती हैं जब भी एक प्लांट का लोकेशन आप चूज करते हो। तो हैवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं तो वो एक्सपेंसिव भी होगा, लार्ज भी होगा। लाइट इंडस्ट्रीज फैसिलिटीज है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक छोटे पैमाने की आपने जैसे पेपर मिल आपने ओपन किया हुआ है, छोटा सा अगर है,
ना, तो वो अगर आपने ओपन किया हुआ है तो वहां पर आपको प्लांट जो है वो आपका स्मॉल रहेगा, लेस कॉस्टली रहेगा और इजीली आप उसको काम कर सकते हो। रिटेल और सर्विस की अगर मैं बात करूं तो रिटेल और सर्विस आपका स्मॉलेस्ट भी होता है और लीस्ट कॉस्टली होता है। लेकिन अगर हम प्लांट लेआउट की बात करते हैं तो सॉरी प्लांट लोकेशन की बात करते हैं तो प्लांट दैट मींस कि आप एक बड़ा सा एरिया चूज कर रहे हो पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो उसके लिए आपको एक बड़ा एरिया चाहिए। जैसे कि आपने तो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपने बनाई है, रिफाइनरी की इंडस्ट्रीज आपने बनाई हुई है, तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर होती है, तो उनके लिए लोकेशन भी बड़ी चाहिए, एरिया भी बड़ा चाहिए और वो एक्सपेंसिव भी बहुत होती हैं। तो यही वाला फंडा आपका फैसिलिटीज लोकेशन को लेकर दिया गया है। नाउ हियर इज फ्यू प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स हम जिसे कह सकते हैं जब आप एक फैसिलिटी को चूज करने जाते हो। एक तो मैंने आपसे कहा कि फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, वो आप देखोगे ही देखोगे। इसके अलावा लोकेशन रेटिंग फैक्टर टेक्निक, इसको हम यूज करते हैं। दैट मींस कि इस टेक्निक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू आइडेंटिफाई जितने भी पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लाइक उसका लेबर वेल लेबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्ट, सारे के सारे एक हम लिस्ट तैयार करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द लोकेशन डिसीजन। लोकेशन को डिसीजंस करने वाले कितना दूर है कितना पास है वो सारे पॉइंट्स हम नोट डाउन कर लेते हैं। फिर ईच फैक्टर्स को हम वेटेज प्रोवाइड करते हैं 0 से 1 के बीच में। 0 डिनोटेड एज अ कि हम यहाँ पर 0 को लीस्ट इंपॉर्टेंट मान रहे हैं और 1 को यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के हम यहाँ पर मार्किंग करते हैं कि लोकेशन कैसी है। फिर सारी चीज़ें जो ट्रांसपोर्टेशन को हमने कितना मार्क किया हुआ है, लेबर वेलफेयर को हम लेबर अवेलेबिलिटी को कितना मार्क किया हुआ है उस एरिया के हिसाब से। तो 0 और 1 के बेसिस पर हम उसको रैंकिंग देते हैं, देन हम डिसाइड करते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हम चूज करते हैं अपना एरिया जो लोकेशन है, उसके बाद हम चूज करते हैं। पता चला आपने लेबर अवेलेबिलिटी को 0 मार्क्स प्रोवाइडेड है कि वहां पर लेबर इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, तो जब लेबर ही अवेलेबल नहीं होगा तो इतना बड़ा फैक्ट्री लोकेशन को डालने का मतलब क्या है, क्योंकि काम ही नहीं हो पाएगा। तो वो चीज वहां पर थोड़ा सा जरूरी हो जाती है। नाउ एक और आपकी मेथड आती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी टेक्निक। दिस टेक्निक एम्फेसिस ऑन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है आपके लाइक फैसिलिटी लोकेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है उसके ऊपर ये एम्फेसिस करती है ना। ध्यान रखिएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी टेक्निक रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू डिटरमाइन द फैसिलिटी लोकेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मेनली डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस कितना है, वेटेज ऑफ मर्चेंडाइज, वेट ऑफ मर्चेंडाइज कितना है, टाइम कितना रिक्वायर्ड हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इन सारी चीजों को ध्यान में हम रखते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैप द वेरियस सप्लायर लोकेशन। ये क्या करता है, बेसिकली सप्लायर की लोकेशन को ये सर्च आउट करता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये अपना प्लान तैयार करता है, सजेशन तैयार करता है और फैसिलिटी लोकेशन को डिसाइड करने में हमारी मदद करता है कि आपको इजीली सप्लायर अवेलेबल होंगे या नहीं, ट्रांसपोर्टेशन इजीली वहां पर जा सकता है या नहीं जा सकता है जहां पर आपने अपनी जो प्लांट है आपने उसका लोकेशन चूज किया हुआ है, तो वो यहाँ पर देखता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी टेक्निक, ठीक है ना, रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन। देन एक अगर मैं बात करूँ ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक की, ये दो बेसिकली मेथड होती हैं जो हम चूज करते हैं। एक तो ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पर हम लोकेशन चूज करते हैं और एक हम फैक्टर्स को रेट करके करते हैं। तो हम लोकेशन के फैक्टर्स को रेट करके या ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को कैलकुलेट करके हम डिसाइड करते हैं अपने लोकेशन को। अब ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक की अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के रूट या फिर कैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से जा रहा है, ये हमारा एंडिंग लाइन है तो यहाँ पर एंड तक पहुंचने के लिए व्हाट काइंड ऑफ रूट वो यूज कर रहा है, ये जस्ट एन एग्जांपल है, किस तरह का रूट वो यूज कर रहा है ये डिपेंड करता है उसकी रूट रूट ऑफ शिपिंग वो देखता है गुड्स की, जिसमें मल्टीपल जो आपके डेस्टिनेशन है वहां तक वो पहुंचता है। उसके बाद फिर डिसाइड करता है कि लीस्ट कॉस्ट रूट कौन सा है, सबसे कम उसको समय लगे ऐसा रूट कौन सा है उसको वो चूज करता है। वो मेथड आपकी कहलाती है ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक, जिसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो दिस इज दैट ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक जो आपको हेल्प करता है आपके मैक्सिमम पैसे बचाने में और लीस्ट कॉस्ट रूट को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। सो दिस इज दी ऑल अबाउट फैसिलिटी लोकेशन। तो फैसिलिटी लोकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि फैसिलिटी लोकेशन क्या होती है, इसकी जरूरत क्यों होती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस पर इफेक्ट डाल सकते हैं,
किसदार किसके टाइप्स हो सकते हैं और सिलेक्शन मेथड कौन सी है। तो लोकेशन रेटिंग मेथड और सेंटर ग्रेविटी ऑफ टेक्निक, ये दो मेथड्स हैं जो फैसिलिटी लोकेशन को चूज करने में हमारी मदद करती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैसिलिटी लोकेशंस। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए आने वाला है बहुत जल्द, दैट इज द प्लांट और फैसिलिटी लेआउट्स। उसको बिल्कुल मिस मत करना, वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।